हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं आपका भाई रतन। आज दोस्तों हम लोग बस रिले के बारे में बात करेंगे ओनली। ये रिले है क्या, क्या काम करता है, कैसे काम करता है और कब काम करता है, डिटो चीज़ें इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत इसके बारे में क्वेश्चन आ रहे थे कि रिले क्या है, कैसे है, क्या काम करते हैं। तो रिले सब जानते क्या है, खाली स्विच की जैसे ही काम करता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों टाइप में मैं बताऊंगा। पूरा अंदर से इसका प्रैक्टिकल सब चीज़ करेंगे। आप लोगों को इसके बाद कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि रिले कैसा काम करता है, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। और मैं एक ही टाइप का रिले बताऊंगा जो आप लोगों को ज़्यादा काम आता है प्रोजेक्ट में, देख सकते हैं ये रिले ज़्यादा प्रोजेक्ट अपना जितने प्रोजेक्ट बनाते हैं अभी और बनाने लो इसी में ये काम आएगा। तो चलिए इसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे ब्लॉग में जा सकते हैं, उसमें नया नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे में लिंक मिल जाएगा। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों मैं इसको आगे क्लियर आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये पांच टांग रहते हैं रिले में, अपने कॉमन सी जो चीज हम लोग जानते हैं, पांच टांगे रहता है रिले में। तो इधर का जो तीन टांग जिधर रहेगा ना, जिधर तीन टांग रहेगा उधर कॉइल रहेगा, और जिधर नहीं रहेगा वो स्विच रहेगा। जैसे मैं इसको एक बार इधर पलटा लेता हूँ, जैसे ये हो गया। मैं अपने तरफ से समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग डायग्राम जैसे समझाने की कोशिश करूंगा तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सिंपल भाषा में और जल्दी से जल्दी आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए ये 12 वोल्ट है, जब ये और ये टांग ये रहता है दूसरा, तीनों ये तीनों को छोड़ दीजिए ना, ये बीच में है एक ठो, देख सकते हैं बीच में, और ये दोनों किनारे, उसको अभी भूल जाइए, इसको मत ही सोचिए ना। ये वाला टांग और ये वाला टांग दोनों कॉइल है। आप ही कुछ समझ लिए, धीरे समझ लिए, जैसे एक तार में लोग तार लपेटते गए कॉपर का बहुत ज्यादा राउंड मार लिए, फिर दो वायर बचा, दो वायर को हम लोग टच करेंगे तो यहाँ मैग्नेट फील्ड बन जाएगा, आप लोगों को इतना पता होगा। सेम ही ये वैसा होता है तार, जैसे ये देखिए ये गूंदा रहता है, ये तार गूंदा है, देख लीजिए पूरा ये तार घुमा हुआ है, देख लीजिए पूरा ये तार घुमा हुआ है, ये गूंदा हुआ तार। तो ये क्या बन घुमा रहता है तो ये मैग्नेट फील्ड बन जाता है। मैग्नेट फील्ड बनने के कारण देखिए यहाँ पर हम लोग 12 वोल्ट देते हैं तो मैग्नेट फील्ड बनता है, ये देखिए ये मतलब काम कर रहा है, मतलब ये हो गए तो मैग्नेट फील्ड बनता है। तो मैग्नेट फील्ड ये बीच कॉमन रहता है तो क्या होता है, मैग्नेट फील्ड एक बार जुड़ता है, एक बार करंट आएगा तो इसके साथ जुड़ेगा और एक फिर हटेगा तो इससे जुड़ेगा। मतलब क्लियर क्या रहता है, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए एक तो कुछ दिख रहा है, ये देखिए क्लियर से दिख, क्लियर मैं थोड़ी दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए क्या है, ये देखिए टच हो रहा है, ये देखिए टच। तो एक बार अब हम लोग यहाँ कॉइल में करंट देते हैं तो ये यहाँ मैग्नेट पूरा बनता है, मैग्नेट बनने के कारण इधर जुड़ जाता है, इधर जुड़ गया तो ये इसके साथ जुड़ गया और फिर ये जस्ट आपका छोड़ दिया तो इसके साथ जुड़ गया। देखिए इधर जुड़ा तो इधर जुड़ गया, और छूटा तो इसके साथ जुड़ गया। तो क्या होता है ये इसके साथ जुटा, फिर ये छूट के इसके साथ, तो क्लियर क्या होता है दोस्तों, बस यहाँ मैग्नेट फील्ड बनता तो एक बार इधर जुड़ जाता है, एक बार हटता है, हटेगा तो इससे साथ जुड़ जाता है, और जुड़ता है तब इससे साथ जुड़ जाता है। और क्लियर इसमें कुछ चीज है नहीं, आप लोग बहुत ही इजिली आप समझ देख सकते हैं दोस्तों। मैं इसको तोड़ लिया हूँ, देख लीजिए पूरा यहाँ से निकाला हूँ, क्लियर है पूरा, देख लीजिए इसमें क्या है, यहाँ सब थोड़ा सेम था, सेम रिले सब रहता, देखिए ये यहाँ से देखिए ये अंदर वाला देखना, ये अंदर वाला को देखो, ये एक बार अंदर टच होता है फिर बाहर, एक बार अंदर एक बाहर आपका, ये देखो ये वाला कॉमन है, ये जो है ये कॉमन है, ये पूरा कॉमन है ये, और ये एक और ये एक, तो एक का ये ऊपर में है, ये देखो ये वाला ऊपर में है और ये अंदर वाला, तो अंदर से गया ये अंदर से गया, ये अंदर में है, ये अंदर में, और जो हम लोग ये बीच का देखते हैं ये बीच का है, ये पूरा गया है कॉमन, तो ये बीच में है, ये बीच में। तो क्या होता है मैं शुरू बोला हूँ, तो ये मैग्नेट फील्ड बनाता है, जब ये मैग्नेट फील्ड बनाएगा तो यहाँ से देंगे तो ये बीच वाला, तो एक बार इससे जुटेगा और एक बार जब कॉइल छोड़ इससे जुटा ही रहता है, एक ठो में जुटा ही रहता है हमेशा के लिए। देखिए जैसे इसमें देख लीजिए क्लियर में, ये देखिए एक साथ एक ठो में जुटा हुआ अभी तक, एक ठो ये जुटा ही हुआ है अभी तक, ये जुटा है यहाँ से एक ठो,
और क्या होता है फिर मैग्नेट फील्ड हम लोग इसमें प्लस माइनस देंगे इसमें कॉइल में, जब मैग्नेट फील्ड बनता है तो क्या होता है चुंबक बन जाता है तो ये वक्स इधर खींच के इसको चिपका लेता है, चिपकाता है तो इसके साथ जुट जाता है, फिर छोड़ता है तो इससे जुट जा रहता है, फिर हम लोग करंट हटाते हैं तो ये दोनों जुड़ता है, फिर करंट देके इससे इसके छूट के इससे जुड़ जाता है, बस और कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें देख लीजिए जैसे स्विच रहता है ना, एक बार हम लोग जैसे एक बार दबाएं तो इससे जुड़ता है, फिर एक बार दबाएं तो बंद होता है, सेम ही रिले रहता है और रिले में और कुछ भी नहीं है। देखो आप ही लोग देख लो और कॉइल का देखो, ये एक वायर था कॉइल का, एक वायर था कॉइल का, देखना यहाँ से टच होगा, यहाँ से ये देखिए कॉइल का एक तार गया यहाँ से और एक पार से यहाँ से एक तार गया है अंदर से, ये देखो ये अलग कॉइल ये वायर। दोस्तों आप लोगों को और थोड़ा डीपली जानना है ना तो आप लोग एक रिले को मैं जैसे तोड़ा हूँ ना, आप लोग एक बार तोड़ लीजिए पूरा पूरा खोल लीजिए तो आप लोग यहाँ डीपली देखेंगे तो आपको डीपली समझ आ जाएगा कि रिले और कैसे, ये देखिए ऊपर नीचे होता है, ये एक बार ऊपर होगा एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो नीचे होगा तो इससे जुटेगा, ऊपर रहेगा तो ऊपर से इसमें से जुटा रहता है। तो एक बार रिले में एक बार और काम करके दिखा लेता हूँ आप लोगों को, ज्यादा कंफ्यूज ना हो बोल के। जैसे मैं एक लाइट लेता हूँ और बैटरी ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे स्विच अपना काम करता है सेम वैसे ही काम करेगा। आप लोग रिले में इसके बाद कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए दोस्तों, मैं इतनी यही जानता हूँ, बस लगे तो भी मेरे को जरूर बताइए, मैं उसके बारे में और कुछ डीपली ज्यादा दे दूंगा। कहाँ गया लाइट यार, ये देखो जैसे ये हम लोग का कॉमन हो गया, ठीक है, ये कॉमन हो गया, ये देखो ये लाइट हमारा कॉमन हो गया, जुड़ गया, प्लस कौन सा, ये प्लस है, ये देखो हम लोग इसको डायरेक्ट देंगे, ये जल रहा है, ठीक है, ये जल रहा है अपना, देखो ये जल रहा है। तो अब इसको हम लोग स्विच एक बार बंद करना है, एक बार चालू करना, तो यहाँ एक लगा दिए, तो यहाँ लगा रहे तो कुछ नहीं हो रहा, देखो ना, अब यहाँ लगाएंगे तो ये मैं जैसे बोला था एक बार, ये देखिए यहाँ से जल रहा है तो मतलब यहाँ से जल रहा है, तो ये जल रहा है तो मतलब क्या है आपका, ये अभी ये बीच वाला, ये बीच वाला है, ये बीच वाला इसके साथ अभी जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब हम लोग इसमें, जब इसमें हम लोग 12 वोल्ट अब देंगे, मैं 12 वोल्ट देके आपको दिखा देता हूँ, अपने यहाँ बारिश हो रहा है दोस्तों अभी, तो यहाँ थोड़ा ये देखिए आप, यहाँ पास 12 वोल्ट, ये देखो जल रहा है ना, ये 12 वोल्ट यहाँ ये दे दिया, ये दे दिया तो बंद हो गया, हट गया, ये देखो 12 वोल्ट दिया बंद हो गया। तो क्या हो रहा है, मैं शुरू बोला था आपको कि ये अभी इससे जुटा है, तब 12 वोल्ट हम लोग देंगे तो इसको छोड़ के इसके साथ जुड़ जाता है, और सेम हम लोग कर सकते हैं। अब इसको जगह इसको लगा दिया मैं, ठीक है, तो अभी क्या है, अभी इससे जुटा है तो इससे ये जुटा है, तो हम लोग को ये और ये जुटा चाहिए, तो अभी इसके साथ जुड़ा है, तब हम लोग 12 वोल्ट देंगे, ये देखो ये 12 वोल्ट दिया मैं, थोड़ा सा इधर कुछ हुआ होगा, ये देखो 12 वोल्ट दिया तो ये जुड़ गया है, समझे बात को क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, और इसमें और कुछ कंफ्यूज की बात नहीं होना चाहिए, बस रिले काम यही करता है हम लोग, जब इसमें करंट ये जब रहेगा अपना कॉइल में करंट जाएगा तो कॉइल में करंट जाने के कारण तो इससे जुटा रहता है, इससे जुड़ जाता है, फिर कॉइल को हटाएंगे तो जिससे जुटा रहता है उसमें जुड़ जाता है, बस एक तो पत्ती रहता है, जैसे ये पत्ती में दिखा दी आप लोगों को, पत्ती एक बार इधर जुटता है, एक बार जैसे बोल्ट हम लोग दिए तो मैग्नेट फील्ड बनेगा, इधर जुटेगा और मैग्नेट फील्ड हटा तो उधर जाएगा, और इसमें और कुछ भी नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं। इसमें भी आप लोग तो भी इतना लग रहा कंफ्यूजन, तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको और पर्सनली और इसके बारे में डिटेल बता दूंगा, एक बार आप लोग लेकिन खोल के इसको जरूर देखिए तो जरूर होगा, और इतनी कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मैं दो दिन वीडियो नहीं डाल पाया था मैं, क्योंकि घर से बाहर था, तो इसके बाद और वीडियो अच्छे अब जल्दी जल्दी आते रहेगा, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।